तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो। बेसिकली अगर इसमें देखोगे तो देखो क्या कहते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रॉन अक्रॉस ए कंडक्टर इज वी डी। मतलब अगर कोई कंडक्टर है उसके अक्रॉस अगर देखोगे तुम तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो, अगर इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है तो ए एन ई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। तो रीअरेंज किया तो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई इज इक्वल टू ए एन ई इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नया कंडक्टर लेके आए और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब कंडक्टर रिप्लेस बाय अनदर सेम मटेरियल सेम लेंथ बट डबल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसका 2a है, एंड अप्लाइड वोल्टेज इज ऑल्सो सेम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी की जो वैल्यू है, वोल्टेज के टर्म में लिखेंगे ना भाई, अप्लाई वोल्टेज कर रहा है, पता नहीं कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो वोल्टेज के टर्म में लिखोगे, तो वोल्टेज के टर्म लिखोगे तो ये ए एन ई साइड में ले लो और करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, इसको ऐसे लिख सकते हो बड़े आराम से। तो अगर इसको तुम देखोगे यहाँ से तो आई इज इक्वल टू ए एन ई और वोल्टेज ऊपर आ, रेजिस्टेंस को लिख सकते हो रो एल अपॉन ए, यहाँ से इस ए ने ए को खा गया तो बी इज इक्वल टू रो एल एन ई, तो बी इज इक्वल टू रो एल ए, यहाँ से बी डी। तो जो बी डी की जो वैल्यू है ये वाली जो चीज़ है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर 2 अगर तुम देखोगे ना, वोल्टेज चेंज हुआ ना रो चेंज हो रहा है, मटेरियल सेम है ना, एन चेंज हो रहा है ना ई चेंज हो रहा है यूनिवर्सल को है ना, लेंथ चेंज हो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो वी डैश है इसकी भी वैल्यू तो सेम होगी। तो वी डी इज इक्वल टू वी डैश, मतलब इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइनल के इक्वल होगी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको मजा आ गया होगा समझ के। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।